डॉलर 250 क्रॉस कर चुके तो भी क्या हुआ, शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुमसे ना हो पाएगा। मगर क्यों? हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। आगे महंगाई और हो जाएगी इस महीने से, अगले महीने से तो देख ले आवाम भुगतेगी। हट के फ्लावर हो जाएगा। आवाम भुगतने के लिए तैयार है। मैं आवाम से पूछती हूँ। पूछ ना भेड़। पूछती हूँ। अरे यार चुप करो। आप ये सब भुगतने के लिए तैयार है ना? नहीं। अगर नहीं भी तैयार तो ऑप्शन क्या आपके पास भुगतने? तोबा तोबा तोबा। बाहर के किसी ताकत ने महंगाई घट करो, असि तो एलपीजी गैस नहीं पूरी भी होती। सारे चोर ने, शहबाज शरीफ चोर है, इमरान खान चोर है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पाकिस्तान में बिजली जाके 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मुकम्मल पूरे पाकिस्तान के अंदर बिजली सप्लाई ठीक नहीं हो सकी। लानत है तुम लोग पे, लानत। ये तो पाकिस्तान के टैलेंटेड इंजीनियर है। बकवास बंद। पाकिस्तान की सरकार से पाकिस्तानी आवाम अब पूरी तरीके से बौखला गई है। हाँ भाई हाँ। इसे माहौल रिपोर्टर ने भाई साहब से पूछा कि बिजली नहीं आ रही है, बिजली क्यों नहीं आ रही है? तो बस चाचा तो भड़क गए, तो आप चाचा के आनंद लीजिए। क्या कह रहे हैं आप? सारे चोर ने, शहबाज शरीफ, इमरान खान, सरदारी, सारे चोर है। तो ये तो कहते हैं कि भाई हमारा कोई कसूर नहीं है, जो लाइट गई है इसमें बाहर के किसी ताकत ने। छो सारी महंगाई घट करो, असि तो एलपीजी गैस नहीं पूरी भी होती। सारे चोर ने, शहबाज शरीफ चोर है, इमरान खान चोर है, सरदारी भी चोर है। ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਾ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਆਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ इंडिया में कहते हैं कि भाई इंडिया में बड़ा जुल्म हो रहा है। वहाँ पर क्या जुल्म हो रहा है? वहाँ पर आटा आपको पता कितने का मिल रहा है? 20 से 25 रुपए किलो मिल रहा है। गल्ला ने झूठ बोल देने बगैरते है ने, सारे बगैरते है ने। मैं विचे चीफ जस्टिस नू, विचे फौज नू, विचे इमरान खान और सारे कहना सारे चोर है। और 9 महीने से जारी सियासी जो अदम इस्तेकाम है उसने मुल्क को नाकाबले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। और अब मजीद इस तरह के इकदामात से अवाम में बकायदा जो बेचैनी है वो मजीद बढ़ने लगी है और मुल्क इस्तेकाम की मंजिल से मजीद दूर होता जाएगा। अब भी आंखें ना अगर खुली तो अल्लाह ही हाफिज है। फिजा खलीफा जी, अगर अल्लाह ही हाफिज होता ना पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान की आज ये हालत ही नहीं होती। और नहीं तो क्या? बद से बदतर हालत हो चुकी है। जरा पाकिस्तानी डॉलर का रेट तो बताइए। डॉलर 250 क्रॉस कर चुके। इंडिया का 1 रुपया पाकिस्तान के 3 रुपए बराबर है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पाकिस्तान कर्जों में जकड़ा हुआ है। तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता शायद। मईशत तबाही के दहाने पर है तो भी क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता शायद। डॉलर 250 क्रॉस कर चुके तो भी क्या हुआ, शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फरवरी के महीने से शुरू हो जाए, फरवरी से महंगाई का बड़ा तूफान पाकिस्तान से टकराने वाले, तो फिर क्या हुआ, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर भुगतना है तो बेचारी आवाम ने भुगत, क्या होगा। आगे महंगाई और हो जाएगी इस महीने से, अगले महीने से तो देख ले आवाम भुगतेगी। आवाम भुगतने के लिए तैयार है। मैं आवाम से पूछती हूँ, आप ये सब भुगतने के लिए तैयार है ना? अगर नहीं भी तैयार तो ऑप्शन क्या आपके पास भुगतने? पाकिस्तानी पप्पू बिलावल भुट्टो का एक वीडियो लीक हुआ, ये तो आपने भी देखा होगा। इस वीडियो को देख के एक पाकिस्तानी किन्नर क्या बोला, क्या कहोगे? डूब मरो बिलावल भुट्टो, ऐसे नहीं करना चाहिए आपको। मुजरा आपको जेब नहीं देता, खानदानी हो बेटा आप, ऐसे नहीं करना चाहिए। बिलावल भुट्टो, हाय 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 हाय, मुजरे करने लगा, मिनिस्टर मुजरे करने लगा, कहाँ जाएगी ये दुनिया। आगे आगे बात करते हैं, आप में से कोई बात करेगा। अच्छा सर, आप मुझे, वैसे मैं आपको बता दूं, जो इसमें डांस कर रहे हैं वो बिलावल जैसा है, बिलावल भुट्टो नहीं है। तो अनम शेख जी, आपको बोलना चाहिए अब सॉरी सॉरी सॉरी।
बहुत ही जाहिल है। बड़बोले पाकिस्तानियों की ये हालत हो जाए और हिंदुस्तानी मजाक नहीं बना, ये कैसे हो सकता है। हिंदुस्तान की मीडिया, हिंदुस्तान के यूट्यूबर, हिंदुस्तान के सोशल मीडिया के जितने भी वॉरियर है, सब पाकिस्तान को पहनने में लगे हुए, मजाक बनाने में लगे हैं। और इनका तो बनाना भी चाहिए भाई, एटमी मुल्क है, एक हाथ में कटोरा, एक हाथ में इनके परमाणु बम है, ये तो इनके पीएम बोलते हैं। ऐसे में जिले हिलाई, इमरान खान साहब ने भी कहे कि हिंदुस्तान को देखो वो हमारा मजाक बना रहा है। जरा हिंदुस्तान के टीवी पर प्रोग्राम से देखे पाकिस्तान के ऊपर क्या कर रहे हैं। अच्छा कि जी वहाँ भीख मांगने के लिए निकले हुए हैं, मुल्क में पैसा नहीं है, डॉलर सब दुनिया के सामने है, अब तो कोई चीज छुपती नहीं है ना। आप गूगल करें तो पता चल जाएगा पाकिस्तान के हालात। रुको जरा, अप्पू आ रहे हैं। तेरा बाप आया। भाइयों बहनों, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी। वाह मोदी जी वाह। उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। वाह मोदी जी वाह। ठीक किया कि नहीं किया? यस। ठीक किया कि नहीं किया? यस। आप खुश हैं? यस। नहीं लगता कि हम लोग जो हैं किसी को भी नहीं बीट कर पा रहे। बांग्लादेश देख ले, अफगानिस्तान देख ले, अफगानिस्तान जो हम पे हमले कर रहा है, बांग्लादेश जो आज हमसे अलग होकर खुश हो रहा है। मुकाबला नहीं हो सकता, वो इस टाइम हाइप क्रिएट कर रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया, हम दोनों का मुकाबला कर रहे हैं। कैसे नहीं है? वहाँ पे 30 रुपए किलो आटा, यहाँ 230 रुपए किलो आटा, तो मुकाबला कहाँ पे हुआ? क्यों वहाँ पे डेढ़ अरब आबादी को संभाल रहे हैं? यहाँ पे जो हमारे मामला चल रहे हैं वो आपको पता ही है, वो जो चला रहे हैं उन्होंने बेड़ा गर्क किया है, वो कर रहे हैं। बहुत से ना लोग कहते हैं पाकिस्तान के मुसलमानों पे तशद्दुद होता है इंडिया में बहुत ज्यादा ऐसे, लेकिन मैं ये कहूंगी हर जगह एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि वहाँ 25 रुपए किलो आटा, यहाँ 200 पे जा रहा है, क्या वो खुश नहीं है? अब यहाँ प्याज जो है वो 300 रुपए किलो है, 280 रुपए किलो है, इंडिया में 15 रुपए किलो है। सर वहीं से प्याज आया था जी, तो वो 15 रुपए बिक रहा है वहाँ, जहाँ 300 बिक रहा है। देखिए अगर हम देखें तो वहाँ के बैठे हुए मुसलमानों से अक्सर रुकाते हैं जब डिबेट होती है ना, जब बात हो जाती है, तो वो ये कहते हैं, इवन मुशरफ के दौर की भी बात करें ना, तो मुशरफ जब इंडिया गए थे ना, तो उनका मुसलमान एक शख्स ने उठ के सवाल किया था मुशरफ से कि भाई आप बताएं, इतने साल हुकूमत पाकिस्तान पर करने के बाद आपने क्या दिया पाकिस्तान को? हमारे प्राइम मिनिस्टर देखें, जाते हैं तो कुछ लेके नहीं जाते, आते हैं तो खाली हाथ आते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। मुसलमान वहाँ के कह रहे हैं, तो हम फिर क्या, हमें लगता नहीं है कि हम लोग ज्यादा ही सोच रहे हैं? जो लीडरशिप है ना, जो साफ बात है, बहुत तलख बात है, लेकिन मैं कहूँगा आपको यहाँ इस मौके पे कि हमारी लीडरशिप जो है वो हमारे मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। सही बात है। तो वीडियो आपने देख ली है, वीडियो देखने के बाद मैं आपकी इन पाकिस्तानियों के बारे में जो भी राय हो कमेंट सेक्शन के अंदर पहल दीजिए भाई साहब, पहल ही दीजिए, क्योंकि आपका भाई जा रहा वृंदावन, 2 दिन तक वीडियो नहीं आएगा। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर मस्ट है। भाई ने बोला करने का तो करने का। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।